तो ये देखो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर ये आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये अब पुराना हो गया तो मेडिकल में भी आने लगा इस टाइप का। तो गिवन, इसको मैं एक पहले स्मार्ट तरीके से बताता हूँ बच्चों। देखो ये जो स्किल है जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये इवन सच बताऊँ तो कोई पेड प्लेटफॉर्म भी तुम्हें मतलब नहीं देगा, लेकिन बच्चों मतलब जो बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। कहता है ग्राफ ऑफ वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ बच्चों यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन विद डिस्प्लेसमेंट। देखो तो ये है स्मार्ट तरीका, स्मार्ट तरीका पावरफुल, ये इसको ट्रिक समझ लो। जो लॉजिक है कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन इसको कहते हैं दिमाग चलाना, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड से बहुत सारा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज ये तो एक्सलेशन और वेलोसिटी, हम सबको पता है कि एक्सलेशन की जो वैल्यू होती है वो भी dv ओवर dx के इक्वल होती है। पोजीशन से एक्सलेशन कैसे रिलेटेड है ये वाला फार्मूला। तो अगर मैं vx का ग्राफ देखूँ यहाँ, तो ये वाली जो चीज़ है स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है। तो dv ओवर dx जो स्लोप है, दैट इज स्लोप ऑफ v और x ग्राफ, दैट इज टेन थीटा, वो तो कॉन्स्टेंट है यार। और कैसा कॉन्स्टेंट है, निगेटिव है। तो एक्सलेशन जो है वो भी, और मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सलेशन तो कुल ओवरऑल निगेटिव ही आएगा ना। तो अगर एक्सलेशन और एक्स में ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक्सलेशन निगेटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली जो एक्सलेशन है वो निगेटिव आएगा। अब देखो ये तो क्लियर है, मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन से, अगर इससे मैं इस ग्राफ से बी एक्स ग्राफ से एक्सलेशन निकालूँ तो निगेटिव आएगा। तो ये कभी सही नहीं हो सकता, मतलब या तो ये सही है, या तो ये सही है, या तो ये सही है, दोनों निगेटिव है। अब इस ग्राफ में अच्छे से देखो, अगर इस ग्राफ में देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर तुम आ रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सलेशन जो निगेटिव है वो निगेटिव वैल्यू लेके डिक्रीज करेगा। है तो पहले से ही निगेटिव, लेकिन वो निगेटिव वैल्यू डिक्रीज करेगा जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज तो नहीं हो सकता, डी ऑप्शन सही नहीं है, सी कॉन्स्टेंट है, दैट इज ए ऑप्शन सही है, ठीक है। एक ऐसा समय आ जाएगा जब एक्सलेशन की वैल्यू जीरो हो, जब एक्सलेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब एक्स की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गया है, एक्स नॉट हो गया, उस वक्त एक्सलेशन देख रहे हैं यहाँ पे जीरो है, तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका, ठीक है ना। चलो अगर ये स्मार्ट तरीका नहीं आता तो लेट अस डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर अब इसको मैं मैथमेटिकली करूँ, सेकेंड मेथड जो कि सभी बुक में यहाँ से दिया हुआ है, तो अगर मैं सेकेंड मेथड से इसको करता हूँ, तो ये जो ग्राफ है तुम देख रहे हो, ये जो ग्राफ है वो भी एक्स का ग्राफ है, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज यहाँ पे ये जो है वो बी नॉट है, ए एक्स नॉट है। तो अगर तुम देखोगे इसका स्ट्रेट लाइन, इसका अगर स्ट्रेट लाइन बनाओगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो इधर भी और इधर स्लोप निगेटिव एम, यहाँ पे स्लोप एम की जो वैल्यू है वो टेन थीटा, दैट इज माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट है, ठीक ना। ये एक्स नॉट दिया था, तो चलो एक्स नॉट, और इधर एक्स और इधर सी, सी क्या होता है इंटरसेप्ट, तो यहाँ इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस वी नॉट है, भी और एक्स यहाँ वेरिएबल है, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तुम्हें एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए, तो एक काम करो इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है ना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है वो मैं देखता हूँ। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूँ, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस एम, यहाँ डी एक्स ओवर, सॉरी ये डी वी ओवर डी टी होगा ना, डी वी ओवर डी टी, और ये डी एक्स ओवर डी टी, और इसका डेरिवेटिव जीरो, तो डी वी ओवर डी टी एक्सलेशन बनेगा माइनस एम, और ये वेलोसिटी बनेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में जो फर्स्ट वेलोसिटी था उसको मैं पुट कर दूं, तो एक्सलेशन माइनस एम, एक्सलेशन और पोजिशन में रिलेशन आ जाएगा, तो माइनस एम एक्स प्लस वी नॉट इतना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर एक्स और माइनस एम बी नॉट। ये तो ये जो एक्सलेशन ये वाला जो चीज़ है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ ए और एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है ना। तो ये कैसी लाइन है, ये लाइन है वाई इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी की,
y इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी की लाइन कैसी आएगी? मतलब अगर मैं एक्सलेशन और पोजीशन में, यहाँ पोजीशन में अगर ग्राफ बनाऊँ तो इंटरसेप्ट निगेटिव है, और इंटरसेप्ट निगेटिव है, देख रहे हो इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये इंटरसेप्ट, ये वाली जो है इंटरसेप्ट है वो एम बी नॉट है, और ऐसा कुछ लाइन ऊपर नहीं जाएगी, बट मैं मैथमेटिकली ड्रा कर दिया हूँ ये वाली चीज़। तो तुम अगर देखोगे इस हिसाब से तो ए ऑप्शन अपना सही बन जाता है, ठीक है। आई होप कि दोनों मेथड से अब बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।